गाइस, तो फिर से मैं एक साइकिल का रिव्यू करने वाला हूं, पर ये साइकिल आपको अमेज़न पे और फ्लिपकार्ट पे आसानी से मिलने वाली नहीं है। मुझे तो लगता है मिलने ही वाली नहीं है, क्योंकि मैंने काफ़ी तलाश किया उस पर ऑनलाइन, पर नहीं मिले। संतोष की खुद की एक वेबसाइट है, उस पर मैंने देखा इसको, पर मैंने इसको लिया ऑफलाइन। और ऑफलाइन क्यों लिया, क्योंकि ये ऑफलाइन थोड़ी सस्ती मिली मुझे। ऑफलाइन लिए तो ये सीट भी दी है, प्लस ये बेल भी मुझे मैंने फ्री दी है। मैंने इसका भाव इंदौर में जाके भी पूछा तो 14,500 रुपये बताए, जबकि मुझे यहाँ पे मात्र 13,000 रुपये में मिली। पर मुझे 13,000 के अंदर ये दो चीज़ फ्री मिली है, बोतल में ड्यू है वो आ जाएगी, तो वो भी मुझे मिल जाएगी। पर इस साइकिल के बारे में आप कुछ फीचर जानोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि इसी सनक्रूज कंपनी की एक साइकिल है, वो साइकिल है ना लगभग 18,000 रुपए की आती है। उसका नाम कॉन्करर नाम है, पर वो 18,000 रुपए की साइकिल है। और उसके जो वायर है वो भी इंटरनल नहीं है, इसके वायर इंटरनल है, और साथ ही साथ में इसकी फ्रेम हाई टेन स्टील की बनी हुई है। सबसे ज्यादा हम अगर गियर वाली साइकिल लेते हैं तो गियर वाली साइकिल में सबसे ज्यादा विमानों के गियर देखते हैं साइकिल लेने के समय। तो हमने जब साइकिल ली तो मैंने भी यही देखा कि इसके अंदर शिमानो के गियर है, जो कि सबसे बेस्ट गियर होते हैं शिमानो के। ये शिमानो के गियर जो हैं, और इसका शिफ्टर वगैरह है, मैंने खड़े खड़े चालू कर दिया। तो ये बहुत ही प्रीमियम है, क्वालिटी भी बहुत बढ़िया है, बिल्ड क्वालिटी। दोनों साइड में शिमानो के जो शिफ्टर और गियर चेंज करने वाले टूल्स दिए हुए हैं, तो ये काफ़ी प्रीमियम लुक भी देते हैं और कम्फर्टेबल है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ कि इसके अंदर डुअल डिस्क ब्रेक है, तो इस साइकिल के अंदर आपको है ना फ्रंट में और बैक में डुअल डिस्क ब्रेक मिल जाएंगे, जो कि मैकेनिकल डिस्क ब्रेक है। आपको ये मैंने जब यूज़ कर रहे हैं ना, तो काफ़ी मतलब ब्रेक लगाते से ही बहुत अच्छे से वर्क करते हैं ये। और इसमें एक छोटी छोटी चीज़ों का बहुत ध्यान रखा है साइकिल में, यूज़र फ्रेंडली काफ़ी है ये साइकिल। आप इसके अंदर और एक चीज़ देख सकते हो, आप यहाँ पर एक क्लैंप लगा हुआ है, इससे इसकी जो अगर ये कभी टायर आपका ढीला होता है तो इसको आप ऐसे बाहर की तरफ खोल के, मैं खोलूँगा नहीं, तो इसको बाहर की तरफ खोल के आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। साथ ही साथ आप इसके जो व्हील देखते हो, ये आप देख सकते हो इसकी मोटाई, एक तरफ इधर है बॉल, एक तरफ इधर है बॉल, और यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो ट्यूब वाला टायर है, वैसे ट्यूबलेस नहीं है, और ये ना 2.40 इंचेस इसकी चौड़ाई है, और हाइट है टायर की 29 इंच, जो कि हम हाइट जो नापते हैं वो साइकिल के टायर से ही नापी जाती है, तो 29 इंच इसकी हाइट है। साथ ही साथ मैं आपको भी बता दूं, ये रेलसोन के टायर है दोनों, जो कि काफ़ी अच्छे टायर हैं और अच्छी कंपनी है। तो ये जो आप देख रहे हैं डिरेलियर, इसके अंदर दोनों दे रखे हैं फ्रंट और रियर। ये जो गियर को शिफ्ट करते हैं, अपनी जो हमारी चेन होती है इसको आगे पीछे इधर उधर शिफ्ट करते हैं, तो ये काफ़ी अच्छी प्रीमियम क्वालिटी के, मैंने क्योंकि काफ़ी समय से यूज़ कर रहा हूँ, मतलब जब से साइकिल ली जब से तो यूज़ ही कर रहा हूँ। सस्ती साइकिल होती है ना, उनमें अटक जाते हैं कई बार, चेन को आपकी रोक देते हैं, तो ये ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, और मैं काफ़ी आसानी से गियर शिफ्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर तो 3 गियर है पीछे हैं जो 7, तो ये होगा 21 गियर। ये 21 गियर की साइकिल है, यहाँ पे PVC के आपको पेडल दिए हुए हैं। तो दोस्तों साथ में आप है ना इसमें देख सकते हैं जो क्रैंक सेट दे रखा है, इसमें आपको है ना 170 mm PVC प्लास्टिफाइड है ये जो स्टील है, तो मतलब सेफ्टी का भी ध्यान रखा है ताकि पानी वगैरह से जंग ना लगे ज़्यादा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो आपको हैंडल दिख रहा है ना, इसमें ये आपको ये थ्रेडलेस मिलेगा आपको, और साथ में ये जो सस्पेंशन है ना, ये आपको सस्पेंशन फोर्क भी काफ़ी प्रीमियम है, आपको बताता हूँ अभी चला के। सस्पेंशन फोर्क है जो कि फ्रंट में है, बैक में नहीं है, इस बात का ध्यान रखना आप। और आपको इसमें क्लैंप मिलेगा एक तो वहां पर टायर में था आगे फ्रंट पे, एक सीट की यहां पर भी है, सीट को एडजस्टेबल है ये, इसको ऊपर नीचे करने के लिए आप इसे आराम से खोल सकते हैं। खोलने के बाद आप इसको ये देखो, ठीक है, तो ये काफ़ी आसान है, इसको एडजस्ट कर सकते हैं, और ये कितना आसान है, तो यूज़र फ्रेंडली है। मतलब मैं यही कहूँगा कि अगर आपको 13,000 या 15,000 की भी अगर कोई साइकिल लेना है तो ये फीचर्स आप उसको देखें। अगर मुझे तो 13,000 वाली साइकिल में इंटरनल वायरिंग, सस्पेंशन, 7 गियर, साथ में शिमानो के गियर है, और डुअल डिस्क ब्रेक है, पेडल भी PVC के हैं, ये सीट कवर, ये बेल, ये सब कुछ, इतने सारी चीज़ें मुझे मिली है, तो और टायर भी और 29 इंच की हाइट है, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा है। और यहाँ पे देख सकते हो आप एक चीज़ और, इसमें एक प्लास्टिक का कवर भी दे रखा है ताकि इसकी सेफ्टी के लिए, रिंग की सेफ्टी के लिए है, कहीं चेन अगर इधर से गलती से भी इधर गिरती है तो वो यहाँ पे अटकेगी।
तो गाइज अगर ये रिव्यू आपको पसंद आया है इस साइकिल का तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको ऐसे साइकिल के रिव्यू के नोटिफिकेशन आते रहें और आप मुझे ऐसे ही प्यार करते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।